कि असी उस दौर विच रहिने आ जद चोर बेखौफ हो के चोरियां करया करदे सन ते चोरां नूं किया करदे सन लोग ये घूमदे ने पाके कच्छे काले। दोस्तों तुसी हैरान हो जाओगे अज की खबर सुन के पूरे वसों के इलाके विच ये श्री राम शरण सत्संग घर है और चोर इत्थे भी चोरी कर गए ने ते सेवादारां नूं लाने पै रहे आ नवें ताले। दोस्तों नवे कैमरे ते नवे ताले। दोस्तों विपत्ति नवा शहर देख रहे हो, मैं तो अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी, तुसी शेयर तो दसा ला लेंगे वीडियो किस बाबत आने वाली है। दोस्तों इस समय नवा शहर के लाल चौंक विचकार असी मौजूद हाँ और इत्थे ही श्री राम शरण सत्संग घर है और बसों आले दुआले बहुत सारिया दुकाना हैं, घर हैं, लेकिन जेडे चोर ने माड़े अंसर ने एंटी सोशल एलीमेंट्स ने गैर समाजिक तत् ने उन्होंने इस मंदिर को भी निशाना बनाया। पूरी वसों में है, तुसी देख सकते हो चंदन जी साढ़े नाल ने सेवादार ने। तो चोर 12 बजे तो लैके रात को 12 बजे तो लैके 4 बजे के करीब इत्थे दाखिल होंदे आ। मेन गेट का जिहड़ा लॉक है वह पट दिंदे। चंदन जी लॉक तोड़िया जांदा है? हाँ जी सर, लॉक तोड़िया है। तो लॉक इत्थे मिलिया जिहड़ा टुट्टिया? एक्चुअली मैं उस वेले नहीं सी, सामने पता लगा जो आया इत्थे मैं। अच्छा हाँ जी, तो लॉक तोड़ के अंदर एंटर कर जाते हैं। तुसी हया देखो चोरों का और अंदरली विच स्पेस दिखा दो, बहुत खुली स्पेस है, नाल घर भी लगते हैं। घर की कंधा ने? हाँ जी हाँ जी, घर दियाँ कंधा ने। तो चोरों का हया तुसी देख सकते हो और इन्हों चोरों अजकल तो कार्रवाई का कोई डर नहीं है और ये धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान पर आम व्यक्ति आता है कि मन में शांति मिले, जेकर कोई दुविधा है, कोई डिप्रैशन है दूर होवे, आम इंसान इन्हां दरबारों तो आके शक्ति प्राप्त करता है, भगती करता है। पर जिहड़े माड़े अंसर ने, गैर समाजिक तत् ने, ये धार्मिक स्थानों पर भी आके चोरी करते आ। जिथे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जे ये माड़े तत् उत्थे आके भी चोरी करते आ, तो फिर किहड़ा दरवाज़ा रह जाएगा? तो चोर दस्या जांदा कि बड़े खुल के चोरी हुई है, तसली नाल हुई है, चोरों ने पूरा समा लिया। और तुसी देख सकते हो जिहड़ी ये दान पेटी है उसनू भी पूरा तोड़िया गया। तुसी देख सकते हो कि इत्थे सट्टा मारियां, लग रहे हो लगता कि हथौड़ी नाल सट्टा मारियां। तो यह दान पेटी नू भी खोलिया गया। सानू होर भी इनफॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि इत्थे एक पेटी पई हुंदी है, उस दे विचों भी पैसे कढ़े गए आ। इत्थे सिलाई सेंटर जिहड़ा है फ्री विच बच्चियां नू ट्रेनिंग दित्ती जांदी है, तो बड़ी ही पवित्र जगह है जिथे बच्चियां बारे भी सोचा जांदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे नू ट्रेनिंग दित्ती जांदी है। तो इत्थे भी एक दान पेटी हुंदी है जिहदे विच बच्चे जिहड़े फीस नहीं पे कर सकदे उह दान पेटी विच पैसे पा दिंदे आ। तो उहनां पैसों नू भी चोरी कीता गया। इधर सत्संग घर है तो इत्थे भी आके अंदर जाके जिहड़ा चोरां ने निशाना बनाया, तो पूरी तसली नाल चोरी की है। 12 बजे जो सूत्र दसते हैं कि 12 बजे एंट्री होंदी है ते 4 बजे तक चोरी जिहड़े चोर करदे रहे। तो इधर भी जिन्ना समान सी सारा खलारिया गया, खंगालिया गया पूरा समान, ट्रंक वगैरह सारे फरोले गए। तो तुसी हया देख सकते हो कि किस कदर चोरों का वध्या गया, वध चुका है। और उस तो बाद चोर फस्ट फ्लोर पर एंटर होंदे आ, बड़े आराम नाल एंटर होंदे आ और लॉक जिहड़े तोड़ दिते जांदे आ। पर इत्थे नाल दी नाल असी इह गल नूं भी समझीए कि इत्थे बच्चियां नूं फ्री पढ़ाया जांदा, इह सिलाई सेंटर आ। इत्थे भी एक दान पेटी रखी जांदी है जिहदे विच दस्या जा रहा कि तकरीबन 2000 तो 2500 रुपए विच सन और वह दान पेटी इनू खोल के ये भी पैसे कट के जोड़े चोर वो लैके गए आ। तो कोई भेती ही होएगा जिसन पता होएगा कि कितने कितने दान पेटी पई है। तो कुल मिला के जो साडे सूत्र दसते हैं कि 5000 के आस पास चोरों वालों नुकसान किया गया। और एक धार्मिक स्थान पर जिथे आम लोगों की आस्था जुड़ी होंगी है, आम लोग भगती करन पहुँचते हैं, शक्ति करन पहुँचते हैं, तो यह तो वह स्थान है जिथे साड़िया बच्चियां नू, साड़िया धीआं नू, साड़िया भैणां नू उन्हां दे हथ विच कला दित्ती जांदी है, उन्हां दे हथ विच गुण दित्ता जांदा है, तां जो वह आत्म निर्भर बन सकन। तो उत्थे चोरी हुई है, इस तो मंदभागा की हो सकता है। तो हुण एक बार डॉक्टर साहब जो इस संस्था के प्रधान ने डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, उन्होंने गलबात करते तो जानने की कोशिश करते हैं कि घटना चक्कर किवें वापरिया। ये लगाया जा रहा है भी 12 और
तीन और चार दे विच होनी चाहिए है पॉसिबिलिटी जी, क्योंकि 11 साढ़े 11 की बाजार च थोड़ी जी चौंक च रौनक रहिंदी आ जी, तो इस करके ही अंदाजा लगाया जाता है कि 12 और 4 दे विच होन दी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 4 बजे तो फिर लोग शहर से निकलना शुरू कर जाते हैं जी जी। तो सर कोई लॉक वगैरह तोड़े उत्थे? हाँ जी, एंट्रेंस से भी लॉक लगा है, हॉल से भी बाहर गेट लगे तो लॉक लगा है, पहले एंट्रेंस का गेट ताला तोड़े है, फिर हॉल का भी ताला तोड़िया, दो लॉक तोड़े। उन्होंने मकसद इको ही सीगा, उन्होंने फुरला फुराली बहुत की थी। अच्छा जी, राधर तुम सुन के हैरान होंगे भी इन्ने समय वो सत्संग दे विच रुके होंगे, सारा हॉल उन्होंने फुरोलिया, खिड़कियां वगैरह खोल के सामने एक साडा डिस्पेंसरी वाला कमरा है। अच्छा जी, उस च एक ट्रंक पे से उस कपड़े पे से वो भी उन्होंने कपड़े कट के पूरी उथल पुथल की। मैं कही पूरी तसल्ली नाल एक असी दान पत्र सानू रखना अलाउड नहीं हैगा जी, पर फिर भी असी एक साइड ते रखे किसी कमरे दे विच जी, वे जे कोई कहंदा असी नहीं पर्ची कटानी जी, उन फिर कह दे तू दान पत्र च पैसे पा दे जी, ते उस दान पत्र च लगभग 2,500 रुपया होना चाहिदा हैगा, क्योंकि साडा ओपन तो है नहीं जी जी, जिहड़ा जदों मर्जी पा दे पैसे, इह तां सिर्फ उहदे लई प्रोविजन आ, जिहड़ा पर्ची नहीं कटांदा ओह असी दान पत्र च पैसे पा दिंदे हैगे जी, ते ओह दान पत्र भी उहनां ने तोड़िया। अच्छा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2,250 ਸੀ 2,250 ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਸਤਸੰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕਸ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਨੀਡੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸ ਜਸਟ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਦਨ ਵੀਕ ਔਰ ਸੋ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 5,000-6,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਕੇਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਸਕਰ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੋਰ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 100% ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਰਾਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੋ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ।